सीने में सांस रहेगी जब। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ दक्षिता। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट लेना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमसे हमारा पैसा या प्रॉपर्टी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम वो हमारा टाइम चाहते हैं। बट हम आजकल अपने जॉब्स में बिजी रहते हैं और हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। पर हम जब भी उनसे मिलते हैं तो कोशिश किया करिए कि उनके जो छोटे छोटे से ड्रीम हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए हैं, जो आप पूरे कर सकते हैं, उन्हें पूरे करने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आपके ऊपर मैं एक मेकअप लुक करती हूँ, तो वो इतना एकदम से उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हेमा मालिनी जैसा लुक क्रिएट कर दो। और मैं जब यंग थी तो सब लोग बोलते भी थे कि तुम्हारा फेस कट हेमा मालिनी से मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके मुँह से सुन के। हमने आज तक ये नहीं सुना था उनके मुँह से, उन्होंने कभी बोला नहीं। शायद उन्हें ऐसा लगता था कि बोल के करूँगी क्या, ये कैसे हो पाएगा। और जब मैंने ये उनके ऊपर लुक बनाया, आई एम नॉट परफेक्ट मुझे पता है, बट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आपको दिखेगा उनकी खुशी, उनके चेहरे पर कितनी ज़्यादा खुशी थी इस मेकअप के बाद। तो बस मैं इस वीडियो को मैंने यहाँ 2 मिनट आपके इसीलिए लिए आपको बोलने के लिए कि आप भी अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो तो करो। ज़रूरी नहीं है उन्हें पैसा दो या गिफ्ट्स दो, उनके लिए कुछ ऐसा करो जो उन्हें याद रहे, जो उनके ड्रीम्स हैं जो वो पूरे नहीं कर पाते हैं छोटे छोटे से। बस यही मैसेज था। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। और गाइज, इंस्टाग्राम आईडी मेरा दक्षिता तिवारी है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, तो शुरुआत तो मैंने आपको बता दिया, मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने फेस सीरम लगाया क्योंकि मम्मा की स्किन ड्राई है, तो उनको मैंने पहले मॉइस्चराइज़र फिर फेस सीरम लगाया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पहले सीरम और फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है। उसके बाद मैंने एलोवेरा लगाया था एज अ प्राइमर, फिर मैंने ये फाउंडेशन लगा दिया था, और अब मैंने कंसीलर और कॉन्टूर लगा के फेस को थोड़ा सा शेप करके और थोड़ा हाईलाइट करके, वो सब हम कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्टूरिंग एंड कंसीलर करके। और प्राइमर की जगह मैं हमेशा एलोवेरा यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप एलोवेरा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना नॉर्मल प्राइमर जो आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे एलोवेरा मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैंने प्राइमर यूज़ करके भी देखा। एलोवेरा यार ऑलमोस्ट इक्वल काम करता है, थोड़ा बहुत प्राइमर और ज़्यादा फिनिश दे देता है, बट अगर हम नेचुरल की तरफ है तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, है ना। अब ब्यूटी ब्लेंडर से करने के बाद मैं एक बार ब्रश से पूरा एक साथ ब्लेंड कर रही हूँ सब कुछ, ताकि पूरा फेस एक जैसा लगे, कुछ अलग से अजीब सा ना लगे अलग अलग। अब इतना करने के बाद इसे फेस पाउडर से एक बार हम फेस को सेट करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, तो हमें थोड़ा सा पहले सेट करना है अपने बेस को जो भी हमने अभी तक किया है। अब इसके बाद हम यहाँ से आईब्रो स्टार्ट करेंगे। तो आईब्रो के लिए मैंने पहले उनके आईब्रो को शेप दिया एक, उसके बाद सबसे पहले मैंने ब्राउन से भरना शुरू किया, उसके बाद मैं ब्लैक करूँगी। और थोड़ा मैंने देखा था कि इसमें हेमा मालिनी के आईब्रोज थोड़ा आगे तक हैं और बहुत शार्प हैं, तो मैंने वही करने का ट्राई किया था इसमें, तो वो भी मैंने किया। और अब मैं आपको एक बार फ़ोटो में दिखाती हूँ कि देखिए थोड़ा आईब्रोज वैसे ही बन रहे हैं ना, एग्जैक्ट ऐसे ही बनाए मैंने। अब यहाँ पे आईलाइनर लगाएंगे, तो उनका आईलाइनर भी थोड़ा हैवी सा है, मोटा मोटा, तो वही मैंने लगाने का ट्राई किया इधर। तो आईलाइनर लगाने के बाद देखिए ज़रा कैसा लग रहा है। उसके बाद अभी हम काजल लगाएंगे यहाँ पे, ये मैंने मोटा सा आईलाइनर लगा दिया, और मैंने उन्हें बोला था आपको ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखते रहो। उसके बाद एक काजल लगाया, और मुझे पता नहीं यार उन्हें क्यों नींद आ रही थी इस टाइम, तो उन्हें चाय पिलानी पड़ी होश मिलाने के लिए, बहुत नींद से आ रही थी उन्हें। अब ये काजल भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा लगाया क्योंकि उसमें हेमा मालिनी जी के भी ऐसे ही हैं। अब मस्कारा, तो मस्कारा लगाते में भी यार सच में मम्मी को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या हाथ में घुसाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ उनके, तो वो भी लगाने के बाद। अब लिपस्टिक का शेड बहुत लाइट है उसमें हेमा मालिनी जी का इसमें, और मेरे पास ये शेड वही शेड है बट बहुत डार्कर टाइप में था मेरे पास, तो मैंने बहुत ट्राई किया लाइट लाइट लगा के कि बहुत हल्का हल्का लगाऊं ताकि एक जैसा लगे। और हम उस रूम से इस रूम में इसलिए आ गए थे क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा था, तो हमने यहाँ पे आके लगाया। मेरे पास रिंग लाइट वगैरह भी नहीं था, तो थोड़ा जो लैंप वैम्प था उसमें ही हमने काम चलाया इसमें। और यहाँ पे मैंने पहले ब्लश लगाया क्योंकि हेमा मालिनी जी के फ़ोटो अगर आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा खासा उनके गाल पिंक पिंक लग रहे हैं। और अनदर थिंग, मेरे पास आई शेडो पैलेट भी नहीं था, तो क्योंकि यार मैं ऐसी रैंडम घर गई थी, अभी का वीडियो नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया है, तो मेरे पास बहुत सारा सामान नहीं था मेरा। देखो कितनी खुश हो रही है। तो अब फिर से एक बार मैं सेट कर रही हूँ उनका मेकअप, और मैंने थोड़ा आईलाइनर के विंग्स निकालने की कोशिश की है क्योंकि उसमें उन्होंने विंग्ड आईलाइनर लगाया। अब जैसे मैंने बोला मेरे पास आई शेडो पैलेट नहीं था, तो मैंने वही लिपस्टिक के शेड को हल्का हल्का आंखों के ऊपर उनके लगाया, एंड ये हेयर स्टाइल बनाया है वैसे ही बन, और आगे ईयरिंग कान के पास भी वैसे ही थोड़ा सा घुमाए हैं बाल। और उसके बाद उन्होंने एक स्टड ईयरिंग जो उसमें पहने, जिसमें नीचे उनके पर्ल है, तो वो मेरे पास थोड़ा सा मिलता हुआ डिज़ाइन ये था, तो मैंने वो पहनाया।
एंड लुक हाउ गॉर्जियस शी इज़ लुकिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी यार वो रियल में भी। मोबाइल से मैं शूट करती हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, तो मे बी आपको उतना डिफरेंस नहीं समझता होगा या जो भी है पता नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी उसमें और वो इतनी खुश थी कि वो खुशी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वीडियो में। अगर आप उनका फेस देख के समझ पा रहे हो तो देखो कि उन्हें कितनी ज़्यादा खुशी है। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो मैंने उनके एक दो वीडियो और शूट करे थे, वो भी मैं ज़रूर डालूंगी कुछ टाइम बाद। और चलिए गाइस, आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब भी। ओके बाय, टेक केयर।